स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये लीजिए। ओके, मैं साइन करवा के लाती हूँ। आप एक काम कीजिए, आप फ्रिज ले आइए। ये कौन है टिया के साथ? ऐसा क्यों लग रहा है मैंने व्हाइट वाले को कहीं देखा है? पूछ लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप लोग कौन हो? वो फ्रिज कंपनी वाले फ्रिज लेने आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं, दे दो ना। तो तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए, उनको साइन चाहिए इस पेपर में, फैमिली मेंबर्स ही साइन कर सकते हैं। लो। ये लो। ये टिया के साथ कौन था? वो पता नहीं, टिया ने कहा कि फार्म से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेकर आए। सौम्य, इधर अनिका कहाँ है? दादी, थोड़ी देर पहले हम लोग फ्रिज से सामान निकाल रहे थे, उसके बाद मुझे भी नहीं दिखी। क्या हुआ? शिवाय भैया को बताओ। क्या? अनिका कहाँ है? मुझे कैसे पता, होगी यहीं कहीं। संभाल के नहीं ले जा सकते क्या? अरे कोई बताएगा भी अनिका कहाँ है? दादी, मैं ढूंढता हूँ। मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। बोलो। प्राइवेट। ओके, भैया भाभी कहीं पे भी नहीं है, मैं साहिल के रूम में भी गया, उसको भी नहीं पता भाभी कहाँ पे है। शिवाय कम ना। बिल्लू, अनिका घर में कहीं नहीं है। अरे तुम्हें सचमुच में नहीं पता वो कहाँ है? एक सेकंड, आप लोग भी अनिका के साथ मिले हुए हो? यू नो व्हाट, जस्ट टेल, ऐसा कोई फायदा नहीं है, बहुत ही बेहुदा प्लान है उसका। कौन सा प्लान भैया? बहुत ही खराब एक्टिंग करता है तू। बड़े भैया आप क्या कह रहे हैं? देयर इज नो प्लान। यू नो व्हाट, अनिका घूमी हुई है, छुपी हुई है, और तुम लोग उसका साथ दे रहे हो ना, इसलिए बार बार मुझे पूछ रहे हो कि वो कहाँ है, कहाँ है। चल। पर भाभी ऐसा क्यों करेंगी? ताकि मैं उसके लिए वरिड हो जाऊं, यही तो वो प्रूव करना चाह रही है। सुबह से पता नहीं कौन सी ट्रिप पर है वो। भैया मुझे नहीं पता कौन सी ट्रिप की बात कर रहे हो, पर भाभी यहाँ पे नहीं है। ओके, एक फोन करता हूँ मैं उसे। फोन तो आसपास बज रहे। अनिका के पास इन सब स्टूपिड गेम्स के लिए टाइम होगा? मेरे पास नहीं है, मैंने कहा ना शिवाय मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। Stop!
अनिका, भाभी फ्रिज में कैसे पहुंची? भाभी को होश आ गया, मैं सबको बता के आता हूँ। दीदी मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती, दादी ने बना के रखा है। What is this, दीदी? भाभी बोलो उनको। It's your problem. मैं उन्हें हमेशा दीदी बुलाती हूँ। पर अब रिलेशन बदल चुका है ना, नए रिलेशन को रिस्पेक्ट करना सीखो। हम अभी आए। हाँ। हद होती है स्टुपिडिटी। अरे फ्रिज में कौन छुपता है? मैं फ्रिज में छुपी नहीं थी। तो क्या फुटबॉल खेली थी वहां? स्टुपिड। एक मिनट, मेरे स्कूल इतने भी ढीले नहीं है कि मैं जाके फ्रिज में बैठ जाऊं। तुम ना अपनी स्टुपिड सी चैलेंज जीतने के लिए ना कुछ भी कर सकती हो, मैं जानता हूं। पता है मर सकती थी तुम, पर अपना चैलेंज ना ऊपर जाके भगवान के सामने पूरा कर। शायद मैं फ्रिज में गिर गई थी। गिर गई थी? फ्रिज और स्विमिंग पूल में ना फर्क होता है। मैं जानती हूँ, पर कोई भी फ्रिज और स्विमिंग पूल में ना जानबूझ के नहीं गिरता है। जितना मुझे याद है, मैं फ्रिज के पास खड़ी थी, फिर मेरी अचानक से आंखें भारी हो गई और फिर मैं सो गई। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। यू नो नॉर्मल लोगों को जो नींद आती है ना, तो वो लोग अपने बेडरूम में जाते हैं, सोते हैं बिस्तर पर। तुम फ्रिज में, यू जस्ट। पर आप मेरी बात क्यों नहीं सुन? हाथ अंदर रखो, ठंड लग जाएगी। और तुम्हें जीना एकदम। कहा तुमने? अनिका की किस्मत अच्छी थी, शिवाई ने उसे बचा लिया। किस्मत तो हमारी अच्छी थी जो किसी ने हमें देखा नहीं, पकड़े जाते तो सब खत्म हो जाता। दीप बिल्कुल सही कह रही, रुद्र ने तो हमें ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। और अगर कोई तुम्हें अनिका को फ्रिज में डालते हुए देख लेता तो हमारी एंट्री होने से पहले तुम्हारा एग्जिट हो जाता उग्र मैंशन से। समझने की कोशिश करो टिया, तुम अपने ईगो और जिद की वजह से बार बार खतरा उठा रही हो। अब हमें अनिका को भूलकर अपने प्लान पर ध्यान देना होगा। आई होप तुम समझ रही हो। या थी, पर आगे का प्लान है क्या? प्लान ऐसा है कि जो नजर आएगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो नजर नहीं आएगा। हर हाल हर कीमत पर। ओबेरॉय की बर्बादी। कौन है?
बदतमीजी है। क्या हुआ प्रियंका? बनिए मत, पता है मम्मी की हरकत है, कैसे कर सकते हैं ऐसा? क्या बोल रही हो तुम? ऐसी बात नहीं बनी, हरकतों पे उतर आए, आप मुझे ब्लैकमेल करके अपनी बात बनवाना चाहते हैं। आप इसको अपनी बहन के लिए कर रहे हैं ना, तो किसी और की बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपसे नफरत करूं, आप तो इतने गिरे हुए हैं कि आपसे नफरत भी नहीं कर सकते। प्लीज आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, मेरी इज्जत और मेरे रेपुटेशन के साथ मत खेलिए। अगर ये फोटोज लीक हो गई ना तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज वो कैमरा मुझे वापस कर दीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। प्रियंका कौन सा कैमरा? वही कैमरा जिससे आपने मेरे कपड़े बदल दिए, मेरी फोटोज क्लिक की है। प्लीज दे दीजिए, प्लीज। तुम्हारी किसी पिक्चर्स क्लिक की? नाटक मत कीजिए, मुझे पता है वो आप ही की हरकत है। प्लीज मेरी फोटोज वापस कर दीजिए, प्लीज वो कैमरा मुझे। आई थैंक यू। भाभी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। रुद्र ये फ्रिज ठीक हो गया क्या? हाँ थोड़ी देर पहले छोड़ के गए। वैसे भाभी आप फ्रिज के अंदर छुपी क्यों थी? आप वैसे इतनी कूल हो। नहीं रुद्र मैं फ्रिज में नहीं छुपी थी। भाभी आप मुझे बता सकते हो, मेरा भी बहुत बार फ्रिज के अंदर बैठ के आइसक्रीम खाने का मन हुआ है, तो आप मुझे बाद में बता देना हुआ क्या था। ठीक है मैं जाता हूँ, बाय। हद है, कोई मानने को तैयार ही नहीं। इसे ठीक हो गए। अनिका यहाँ क्या कर रही हो? फिर से फ्रिज में छुपने का इरादा है? नहीं दादी मैं जानबूझ के फ्रिज में नहीं छुपी थी, वो तो मैंने फ्रिज से सारा सामान निकाला है, फिर मैंने चाय पी है। कहीं इसके पीछे टिया का हाथ तो नहीं? फिर क्या हुआ दादी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। चल चल मिट्टी पा, पर आगे से ध्यान रखना पुत्र, जो हुआ सो हुआ, अब कोई ऐसी शरारत मत करना जिससे तेरी जान पे बनाए। अच्छा अगर वो वहां पे खुद नहीं छुपी तो फ्रिज के अंदर गई कैसे? That I don't know. लेकिन रुद्र तुम सुन लो कि तुम मेरी बात सुनो। भाभी फ्रिज में खुद गई थी क्योंकि उन्हें भैया से कोई बैट लगाई थी। लड़के इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हैं? और तुम्हें लगता है लड़के स्मार्ट होते हैं? Yes, boys are smart. S-M-R-T smart. Wow, so smart. तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, इसलिए स्मार्ट में से एक आ गए। तो स्पेलिंग ही तो गलत बोली मैंने। कम से कम हम बिना बात के अपनी लाइफ रिस्क में तो नहीं डालते ना? बिना बात के? Let me tell you, लड़कियां कोई भी चीज बिना बात की नहीं करती हैं। हर चीज के पीछे ना एक लॉजिक होता है, ओके? जैसे इसमें भी हम रिस्क सिर्फ तभी लेते हैं जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हमारा प्रिंस चार्मिंग हमें बचाने आएगा। क्या? Are you serious? या तुमने देखा नहीं बड़े भैया ने अनिका दी को कैसे बचाया? इतने ध्यान से अपनी बाहों में उठा के कमरे में लेके गए। So romantic, नहीं? Romantic. तुमने भैया की हालत देखी थी, वो कितने परेशान थे। तुम इसमें रोमांटिक? तुम ना बिल्कुल नहीं समझो। रोमांस पहाड़ियों में शिफॉन साड़ी पहनकर डांस करना नहीं होता है, ओके? रोमांस होता है एक दूसरे का ध्यान रखना, केयर करना, वो भी बिना जताए। दैट्स रियल रोमांस। ओह, मैं समझ गया। तुम एक टिपिकल लड़की हो जो चाहती है उसकी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग आए जो हर मुसीबत से उसे बाहर निकाले, राइट? राइट। उसमें गलत क्या है? हर लड़की का सपना होता है, मेरा भी है। ऐसे तो तुम बड़ी स्ट्रॉन्ग बनी फिरती हो। हाँ तो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तुम्हें लगता है कि लड़कियों को स्ट्रॉन्ग प्रिंस चार्मिंग इसलिए चाहिए क्योंकि वो वीक होती है। That's not the case. It's just that इस फीलिंग ना बहुत स्पेशल होती है कि आपको पता है कि कोई है जो आप
आपके लिए हमेशा खड़ा है, आपकी हर प्रॉब्लम्स में, हर हर मुश्किल में आपका हाथ थामने के लिए तैयार है। वैसे अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। पर शिवाय भैया ने अनिका भाभी को जैसे उठाया मैं वैसे उठा नहीं सकता, तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है। वेरी फनी। क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ काम, ईमेल्स को रिप्लाई करना था मुझे। बहुत हो गया का। क्या? थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लिया करो। मेरे लिए नहीं तो हमारे बेबी के लिए। यू नो शिवाय, कुछ दिन से मैं बहुत बेचैन हूँ, रात को सो ही नहीं पा रही। मुझे डर है कि इसका साइड इफेक्ट हमारे बेबी पे ना हो। यू आर राइट, इसलिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। रेस्ट करने ही तो आई हूँ। फिजिकल रेस्ट के साथ मेंटल रेस्ट भी तो जरूरी है ना, और मैं रेस्ट करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। क्या मुझे ये तो फिनिश माही में है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।